वास्तुमंडलवर्ती देवताओं के स्थापन, पूजन, अर्धदान और बलिदान आदि की विधि। भगवान हयग्रीव कहते हैं, ब्रह्मन् पूर्व काल में संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए भयंकर एक महाभूत था। देवताओं ने उसे भूमि में निहित कर दिया, उसी को वास्तु पुरुष माना गया है। चतुष्षष्टि पदों से युक्त क्षेत्र में अर्धकोण में स्थित इस यशिखी को घृत एवं अक्षतों से तृप्त करें, फिर एक पद में स्थित पर्जन्य को कमल तथा जल से, दो पदों में स्थित जयंत को पताका में, दो कोष्ठों में स्थित महेंद्र को भी उसी से, विपदस्थ रवि को सभी लाल रंगों की वस्तुओं से संतुष्ट करें, दो पदों में स्थित सत्य को वितात चंदवों से एवं एक पदस्थ भृष को धृत से, अग्निकोणवर्ती अर्थ पद में स्थित योम आकाश को शाकुन नामक औषध के गुदे से, उसी कोण के दूसरे अर्ध पद में स्थित अग्निदेव को श्रुक से, एक पदस्थ पुषा को लाजा खील से, द्विपदस्थ वितत को स्वर्ण से, एक पदस्थ गृषत को माखन से, एक पद में स्थित यमराज को उड़द मिश्रित भात से, द्विपदस्थ गंधर्व को गंध से, एक पदस्थ भृंग को शाकुन जिह्वा नामक औषधि से, अर्ध पद में स्थित मृग को नीले वस्त्र से, अर्ध कोष्ठ के निम्न भाग में विद्यमान पितृगण को कुशर खिचड़ी से, एक पदस्थ गौवारिक को दंत काष्ठ से एवं दो पदों में स्थित सुग्रीव को नव निर्मित पदार्थ हलवा आदि से परितृप्त करें, द्विपदस्थ पुष्प दंत को कृष समूह से, दो पदों में स्थित वरुण को पद्म से, द्विपदस्थ असुरों को सुरा से, एक पद में स्थित शेष को घृत मिश्रित जल से, अर्ध पदस्थित पाप या पाप यक्ष्मा को यवान्न से, अर्ध पदस्थ रोग को मांड से, एक पद स्थित नाग सर्प को नाग पुष्प से, द्विपदगत मुख्य को भक्ष पदार्थों से, एक पदस्थ भल्लाट को मूंग भात से, एक पद सहिस्त सोम को मधुयुक्त खीर से, दो पदों में अधिष्ठित ऋषि को शालूक से, एक पद में विद्यमान अदिति को लोपिका से एवं अर्ध पदस्थ दिति को पूरियों द्वारा संतुष्ट करें, फिर ईशान स्थित इष के निम्न भाग में अर्ध पद स्थित आप को दुग्ध से एवं उसके नीचे अर्ध पद में अधिष्ठित आप वत्स को दही से संतुष्ट करें, साथ ही पूर्ववर्ती कोष्ठ चतुष्ट में मरीचि को लड्डू देकर तृप्त करें, ब्रह्मा के ऊर्ध्व भाग के कोणा स्थित कोष्ठ में अर्ध पदस्थ सावित्र को रक्त पुष्प निवेदन करें, उसके निम्नवर्ती अर्ध कोष्ठक में स्थित सविता को कुशोदक प्रदान करें, चार पदों में स्थित विवस्वान को रक्त चंदन, नैऋत्य कोणवर्ती अर्ध कोष्ठ में स्थित सुराधिप इत्न को हरिद्रा मिश्रित जल का अर्थ दें, उसी के अर्ध भाग में कोणवर्ती कोष्ठक में स्थित इंद्रजय अथवा जय को धृत का अर्थ दें, चतुष्दप में मित्र को गुड़ युक्त पायस दें, वायव्य कोण के आधे कोष्ठक में प्रतिष्ठित रुद्र को पकाई हुई उड़द या उसका बड़ा एवं उसके अधोवर्ती अर्ध कोष्ठ में स्थित यक्ष या रुद्रदास को आद्र फल अंगूर सेव आदि समर्पित कर, चतुष्पर्दी महीधर या पृथ्वीधर को उड़द मिश्रित अन्न एवं माश उड़द की बलि दे, मध्यवर्ती कोष्ठ चतुष्टय में भगवान ब्रह्मा के निर्मित तील तंडुल स्थापित करें, चरकी को उड़द और धृत से, स्कंद को खिचड़ी और पुष्पमाला से, वेदारी को लाल कमल से, कंद्रप को एक पल के तोल वाले भात से, पूतना को पलपित्त से, जम्भक को उड़द एवं पुष्पमाला से, पापा या पाप राक्षी को पित्त पुष्पमाला एवं अस्थियों से तथा पिलिपित्स को भांति भांति की माला के द्वारा संतुष्ट करें, राक्षस मात्रका गण पिशाच पितर एवं क्षेत्रपाल को भी इच्छा अनुसार दही अक्षत या दही उड़द की बलि प्रदान करनी चाहिए, वास्तु होम एवं बलि प्रदान से इनकी तृप्ति किए बिना प्रासाद आदि का निर्माण नहीं करना चाहिए, ब्रह्मा के स्थान में श्रीहरि श्री लक्ष्मी जी तथा गण देवता की पूजा करें, फिर भूमि वास्तु पुरुष एवं वर्धन युक्त कलश का पूजन करें, कलश के मध्य में ब्रह्मा तथा दिक्पालों का यजन करें, फिर स्वस्ति वाचन एवं प्रणाम करके पूर्णाहुति दें, ब्रह्मन् तदनंतर गृहपति हाथ में छिद्र युक्त जलपात्र लेकर विधि पूर्वक दक्षिणावर्त मंडल बनाते हुए सूत्र मार्ग से जलधारा को घुमा दें, फिर पूर्ववत उसी मार्ग से सात बीजों का वपन करें, उसी मार्ग से खात गड्ढे का आरंभ करें, तदनंतर मध्य में हाथ भर चौड़ा एवं चार अंगुल नीचा गर्त खोद लें, उसको लीप पोत कर पूजन प्रारंभ करें, सर्वप्रथम चार भुजाधारी श्री विष्णु भगवान का ध्यान करके उन्हें कलश से अर्ध प्रदान करें,
फिर छिद्र युक्त जलपात्र झारी से गर्त को भरकर उसने श्वेत पुष्प डाले। उस श्रेष्ठ दक्षिणावर्त गर्त को बीच एवं मृतिका से भर दे। इस प्रकार अर्धदान का कार्य निष्पन्न करके आचार्य को गो वस्त्रादि का दान करें। ज्योतिषी और शस्त्रपति राजमिस्त्री का यथोचित सत्कार करके विष्णु भक्त एवं सूर्य का पूजन करें। फिर भूमि को यत्न पूर्वक जल पर्यंत खुदवावे। मनुष्य के बराबर की गहराई से नीचे यदि शल्य हड्डी आदि हो तो वो ग्रह के लिए दोष कारक नहीं होता है। अस्थि शल्य होने पर घर की दीवार टूट जाती है और ग्रहपति को सुख प्राप्त नहीं होता। खुदाई के समय जिस जीव जंतु का नाम सुनाई दे जाए वो शल्य उसी जीव के शरीर से उद्धृत जानना चाहिए। शिलान्यास की विधि। भगवान हयग्रीव बोले, अब मैं शिलान्यास स्वरूपा पाद प्रतिष्ठा का वर्णन करूंगा। पहले मंडप बनाना चाहिए, फिर उसमें चार कुंड बनवावे। वे कुंड क्रमशः गुंभन्यास, इष्टकान्यास, द्वार द्वारा खंभे के शुभ आश्रय होंगे। कुंड का 3/4 हिस्सा कंकड़ आदि से भर दे और बराबर करके उस पर वास्तु देवता का पूजन करें। नींव में डाली जाने वाली ईंटें खूब पकी हों, 12-12 अंगुल की लंबी हों तथा विस्तार के तिहाई भाग के बराबर अर्थात 4 अंगुल उनकी मोटाई नहीं होनी चाहिए। अगर पत्थर का मंदिर बनवाना हो तो ईंट की जगह पत्थर ही नींव में डाला जाए। एक एक पत्थर एक एक हाथ का लंबा होना चाहिए। यदि सामर्थ्य हो तो तांबे के 9 कलशों की, अन्यथा मिट्टी के बने 9 कलशों की स्थापना करें। जल, पंचकषाय, सर्वषधाय कलशों की स्थापना करें। जल, पंचकषाय, सर्वोषधि और चंदन मिश्रित जल से उन कलशों को पूर्ण करना चाहिए। इसी प्रकार सोना, धान आदि से युक्त तथा गंध चंदन आदि से भी भली भांति पूजित करके उस जलपूर्ण कलशों द्वारा आपो, हिष्टा इत्यादि 3 ऋचाओं शम नो देवीर भिष्ट आदि मंत्रों, तरत्समंदिह इत्यादि मंत्र एवं पावमानी ऋचाओं के साथ उद्दंतम वरुण कयानह इत्यादि मंत्रों के पाठ पूर्वक हंस शुचिषद इत्यादि मंत्र तथा श्री सूत का भी उच्चारण करते हुए बहुत सी शिलाओं अथवा ईंटों का अभिषेक करें। फिर उन्हें नींव में स्थापित करके मंडप के भीतर एक शैया पर पूर्व मंडल में भगवान श्री विष्णु का पूजन करें। अरणि मंथन द्वारा अग्नि प्रकट करके द्वादशाक्षर मंत्र से उसमें समिधाओं का हवन करना चाहिए। आधार और राज्य भाग नामक आहूतियां प्रणव मंत्र से ही करावें। फिर अष्टाक्षर मंत्र से 8 आहूति देकर ओम भू स्वाह, ओम भू स्वाह, ओम स्वह स्वाह इस प्रकार 3 व्याहकियों से क्रमशः लोकेश्वर, अग्नि, सोमग्रह और भगवान पुरुषोत्तम के निमित्त हवन करें। उसके बाद प्राश्चित संज्ञक हवन करके प्रणव युक्त द्वादशाक्षर मंत्र से उड़द, घी और तिल को एक साथ लेकर पूर्णाहुति हवन करना चाहिए। तत्पश्चात आचार्य पूर्वाभिमुख होकर 8 दिशाओं में स्थापित कलशों पर पृथक पृथक पद्म आदि देवताओं का स्थापन पूजन करें। बीच में भी धरती लीप कर पत्थर की एक शिला और कलश स्थापित करें। इन 9 कलशों पर क्रमशः नीचे लिखे देवताओं की स्थापना करनी चाहिए। पद्म, महापद्म, मकर, कच्छप, कुमुद, आनंद, पद्म और शंख इनको 8 कलशों में और पद्मिनी को मध्यवर्ती कलश पर स्थापित करें। इन कलशों को हिलावे डुलावे नहीं, उनके निकट पूर्व आदि के क्रम से ईशान कोण तक एक एक ईंट रख दे। फिर उन पर उनकी देवता विमला आदि शक्तियों का न्यास स्थापन करना चाहिए। बीच में अनुग्रहा की स्थापना करें। इसके बाद इस प्रकार प्रार्थना करें, मुनिवर अंगिरा की सुपुत्र इष्टिका देवी, तुम्हारा कोई अंग टूटा फूटा या खराब नहीं हुआ है। तुम अपने सभी अंगों से पूर्ण हो, मेरा अभिष्ट पूर्ण करो। अब मैं प्रतिष्ठा करा रहा हूं। उत्तम आचार्य इस मंत्र से इष्टिकाओं के स्थापना करने के पश्चात एकाग्र चित्त होकर मध्य वाले स्थान में गर्भाधान करें। उसकी विधि यूं है, एक कलश के ऊपर देवेश्वर भगवान नारायण तथा पद्मिनी लक्ष्मी देवी को स्थापित करके उनके पास मिट्टी, फूल, धातु और रत्नों को रखें। इसके बाद लोहे आदि के बने हुए गर्भपात्र में जिसका विस्तार 12 अंगुल और ऊंचाई 4 अंगुल हो अस्त्र की पूजा करें। फिर तांबे के बने हुए कमल के आकार वाले एक पात्र में पृथ्वी का पूजन करें और इस प्रकार प्रार्थना करें, संपूर्ण भूतों की ईश्वरी पृथ्वी देवी, तुम पर्वतों के आसन से सुशोभित हो, चारों ओर समुद्रों से घिरी हुई हो,
एकांत में गर्भ धारण करो। वशिष्ठ कन्या नंदा, वसुओं और प्रजाओं के सहित तुम हमें वशिष्ठ कन्या नंदा वसुओं और प्रजाओं के सहित तुम मुझे आनंदित करो। भार्गव पुत्री जया, तुम प्रजाओं को विजय दिलाने वाली हो, मुझे भी विजय दो। अंगिरा की पुत्री पूर्णा, तुम मेरी कामनाएं पूर्ण करो। महर्षि कश्यप की कन्या भद्रा, तुम मेरी बुद्धि कल्याणमयी कर दो। संपूर्ण बीजों से युक्त और समस्त रत्नों एवं औषधों से संपन्न सुंदरी जया देवी तथा वशिष्ठ पुत्री नंदा देवी, यहां आनंद पूर्वक रम जाओ। हे कश्यप की कन्या भद्रा, तुम प्रजापति की पुत्री हो, चारों ओर फैली हुई हो, परम महान हो, साथ ही सुंदरी और सुकांत हो, इस ग्रह में रमण 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 साथ ही सुंदरी और सुकांत हो, इस ग्रह में रमण करो। हे भार्गवी देवी, तुम परम आश्चर्यमयी हो, गंध और माल्य आदि से सुशोभित एवं पूजित हो, लोगों को ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, तुम इस ग्रह में रमण करो। इस देश के सम्राट, इस नगर के राजा और इस घर के मालिक के बाल बच्चों का तथा मनुष्य आदि प्राणियों का आनंद देने के लिए पशु आदि संपदा की वृद्धि करो। इस प्रकार प्रार्थना करके वास्तु कुंड को गोमूत्र से सींचना चाहिए। ये सब विधि पूर्ण करके कुंड में गर्भ को स्थापित करें। यह गर्भाधान रात में होना चाहिए। उस समय आचार्य को गौ वस्त्र आदि दान करें तथा अन्य लोगों को भोजन दें। इस प्रकार गर्भपात्र रखकर और ईंटों को भी रखकर उस कुंड को भर दें। तत्पश्चात मंदिर की ऊंचाई के अनुसार प्रधान देवता के पीठ का निर्माण करें। उत्तम पीठ वो है जो ऊंचाई में मंदिर के आधे विस्तार के बराबर हो। उत्तम पीठ की अपेक्षा एक चौथाई कम ऊंचाई होने पर मध्यम पीठ कहलाता है और उत्तम पीठ की आधी ऊंचाई होने पर कनिष्ठ पीठ होता है। पीठ बंधन के ऊपर पुनः वास्तुयाग वास्तु देवता का पूजन करना चाहिए। केवल पाद प्रतिष्ठा करने वाला मनुष्य भी सब पापों से रहित होकर देवलोक में आनंद भोग करता है। मैं देव मंदिर बनवा रहा हूं, ऐसा जो मन से चिंतन भी करता है उसका शारीरिक पाप उसी दिन नष्ट हो जाता है। फिर जो विधि पूर्वक मंदिर बनवाता है उसके लिए तो कहना ही क्या है। जो 8 ईंटों का भी देव मंदिर बनवाता है उसके फल की संपत्ति का भी कोई वर्णन नहीं कर सकता। इसी से विशाल मंदिर बनवाने से मिलने वाले महान फल का अनुसरण कर लेना चाहिए। गांव के बीच में अथवा गांव से पूर्व दिशा में यदि मंदिर बनवाया जाए तो उसका दरवाजा पश्चिम की ओर रखना चाहिए। ये सब कोणों में से किसी ओर बनवाना हो तो गांव की ओर दरवाजा रखें। गांव से दक्षिण, उत्तर या पश्चिम दिशा में मंदिर बने तो उसका दरवाजा पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए।